तथागत बुद्ध। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दुख मुक्त तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध सभी दुखों से मुक्त है। तो वो दुख क्या है, किस प्रकार के दुख है, तथागत बुद्ध कैसे मुक्त है, आइए इस विषय में हम चर्चा करते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। अरहं सम्यक् सम्बुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध अर्हत है, निर्वाण लाभ है और सभी दुखों से भी पूर्णता मुक्त है। सामान्य रूप में जो पसंद नहीं है, पीड़ा और तड़प देता है, उसे दुख कहते हैं। जो हमें पसंद नहीं है, जो पसंद ना होते हुए भी उसे करना पड़ता है, वो दुख है। जैसा मन चाहा नहीं हुआ, वो सारी चीज दुख है। तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में जितने भी दुख है, सभी दुखों को सारांश रूप में बताया है, जिसे त्रिपिटक साहित्य में इस तरह उल्लेख किया है। एक जाति भी दुख अर्थात जन्म होना दुख है। दो जरा भी दुख बुढ़ापा आना दुख है। तीन व्याधि भी दुख को रोगी बनना दुख है। चार मरणम भी दुखम मृत्यु होना दुख है। पांच पिए ही विपयोगो दुखो प्रियजन से दूर होना दुख है। छे अपी ही संपयोगो दुखो अप्रियजन के साथ रहना दुख है। सा यम पी छं नलबती तम पी दुखं अपनी जो इच्छा है वो पूरी ना होना दुख।
संखितेन पंचपादा नखंदा दुखा। अर्थात संक्षेप में ये जो पंच स्कंद या नाम और रूप, ये पंच स्कंद रूपी ये शरीर धारण करना ही दुख है। तथागत बुद्ध ने दुनिया में जितने भी दुख है वो सारे दुखों को सारांश रूप में यहां पे बताया है। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूं। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।